प्रदेश में लंबे समय से खोई राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की नई सूची जारी की है। 41 प्रत्याशियों के सूची में मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर शामिल और बगपात सहारनपुर के 24 नाम शामिल हैं। पार्टी ने चुनावी रण में जहां पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्षों को मैदान में उतारा है, तो वहीं किसान आंदोलन से चर्चा में आई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज पूनम पंडित को बुलंदशहर की स्थान सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। जारी सूची में मेरठ जिले के 5 नाम शामिल हैं। इसमें जिला अध्यक्ष अवनीश काजला को पार्टी ने कैंट सीट से प्रत्याशी बनाया है, जबकि 4 सीटों पर कोई चर्चित चेहरा मैदान में नहीं है। बुलंदशहर की सभी 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अनूपशहर से पूर्व विधायक चौधरी गजेंद्र और स्थान सीट पर युवा किसान नेता पूनम पंडित और खुर्जा सुरक्षित सीट पर पूर्व जिला अध्यक्ष टुकीमल खटीक को प्रत्याशी बनाया गया है। मुजफ्फरनगर की भी सभी 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। पार्टी ने यहां एक पूर्व मंत्री, एक पूर्व विधायक व जिला अध्यक्ष को मैदान में उतारा है। सदर से पार्टी के जिलाध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा और पुरकाजी से पूर्व मंत्री दीपक कुमार, मीरापुर से पूर्व विधायक मौलाना जमील कासिम को पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।